खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में 5G शुरुआत शनिवार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे 5G की शुरुआत। झालाना स्थित टेक्नो हब में ये कार्यक्रम होगा। जियो की 5G सेवा शुरू होगी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब राजस्थान में भी 5G की शुरुआत होगी। शनिवार से ये शुरुआत होगी और ये 5G सेवा शुरू होगी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। झालाना स्थित टेक्नो हब में कार्यक्रम होगा। शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। जियो की ये 5G सेवा अब जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में भी। तो राजस्थान में 5G की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5G की शुरुआत करेंगे। झालाना स्थित टेक्नो हब में इसको लेकर कार्यक्रम होगा। जियो की 5G सेवा शुरू होगी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। नरेश, क्या कुछ जानकारी है, कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, देखिए शनिवार से जो प्रदेश में जियो की जो 5G सर्विस है वो शुरू हो रही है और झालाना में जो टेक्नो हब है, भामाशाह टेक्नो हब, उसमें इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वहां पे आना प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री के हाथों से ही इस सेवा की शुरुआत होगी। और शुरुआती जो चरण है उसमें राजधानी जयपुर तो है, ये साथ में जोधपुर और उदयपुर बीच में शामिल है जहां पे 5G सेवा है वो शुरू होगी। इससे न केवल जो एक आज का जो दौर है, जो संचार का जो दौर है और एक हाई स्पीड इंटरनेट व्यवस्था है वो मिलेगी, और साथ में जिस तरह से जियो के जो अंबानी है उन्होंने घोषणा की थी पिछले दिनों नाथद्वारा में कि जल्द ही इसकी शुरुआत होगी, तो वो समय और जो तारीख है वो तय हो चुकी है। शनिवार को 12 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया है झालाना में जो भामाशाह टेक्नो है वहां पे, और इसके साथ ही एक नई जो सेवा है उसकी शुरुआत प्रदेश में होगी। इससे न केवल जो कामकाज है उसमें और दक्षता बढ़ेगी, बल्कि जिस तरह से लगातार इस मौजूदा समय में जो इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न काम होते हैं और जो वर्चुअल कार्यक्रम होते हैं उनको भी अब एक अच्छी स्पीड पे जो है वो सेवा मिल सकेगी और ये कार्यक्रम और बेहतर तरीके से हो पाएंगे। टेक्नो हब को इसलिए चुना है कि जो टेक्नो हब है वहाँ पे तमाम जो वहाँ से कई जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो सेवाएं हैं वहाँ से संचालित होती है। पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वहाँ पे गए थे, उनका दौरा किया था और इसको एक बेहतरीन जो स्थान बताया था, तो इसी कड़ी में अब वहीं से इस सेवा की शुरुआत की जानी है। तो शनिवार को एक नई शुरुआत प्रदेश में हो रही है। नरेश, क्योंकि ये कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम के दौरान कौन मौजूद रहेगा? जैसे मैंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो इस कार्यक्रम जो है वो मौजूद रहेंगे, वही सेवा की शुरुआत करेंगे। साथ में जो IT विभाग है उनके अफसर मौजूद रहेंगे, जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है और जो जियो कंपनी है उसके प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए।